राजस्थान की सियासत बनी शतरंज की बिसात, 64 खानों से भी ज्यादा खाने बन गए। प्यादों ने अपनी चाल चलना शुरू किया लेकिन अभी तक किसी को मात नहीं दे पाए। राजस्थान की सियासत में यह पहला मौका है जब शतरंज की बिसात के 64 खानों से भी ज्यादा खाने बन गए हैं। इस खेल में 64 आदमियों से भी ज्यादा का दिमाग लगता है और जीतने की कोई गारंटी नहीं होती। यही हाल राजस्थान की सियासत का भी है। शतरंज की तरह ही विधानसभा चुनावों के लिए बिछ रही बिसातों में प्यादों ने तो अपनी चाल चलना शुरू भी कर दिया है पर अभी किसी को मात नहीं दे पाए हैं। सियासत के राजा और रानी अपने ढाई घर चाल का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्यादे बढ़ा रहे हैं आगे का खेल। प्यादे मंत्री और वजीर की भूमिका में आगे पीछे, सियासत सिर्फ राजे और गहलोत के इर्द गिर्द। सोशल मीडिया पर प्यादे खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वक्त ये प्यादे मंत्री और वजीर की भूमिका में आगे पीछे, आड़े तिरछे, अगल बगल, अपनी मर्जी एवं सुविधा से कई घरों तक पहुंच रहे हैं। राजस्थान में भाजपा की वसुंधरा राजे और कांग्रेस की सियासत सीएम अशोक गहलोत के इर्द गिर्द घूम रही है। यह पहला मौका है जब विपक्षी नेताओं के प्यादों ने इनको घेर रखा है लेकिन इनको मात देने में अब तक दोनों दलों के नेता या कहें कि वजीर विफल रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ चालें चली जा रही है। पिछले 5 सालों से अशोक गहलोत के खिलाफ और सचिन पायलट के पक्ष में कई वजीरों ने चालें चली है। नतीजा सबके सामने है। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह बात सामने आई है, कांग्रेस नेता सचिन पायलट आप पार्टी के नेताओं से संपर्क में है। वहीं यह भी कहा जा रहा है भाजपा की भी पायलट पर नजरें टिकी हुई है। यह चालें कितनी आगे बढ़ेगी यह तो भविष्य की गर्त में है लेकिन अभी दोनों ही प्रमुख दलों ने पत्ते नहीं खोले हैं। सोशल मीडिया पर आया एक नया सर्वे फॉरम, हनुमान बेनीवाल और आपको लेकर पूछे सवाल। सवाल को लोगों ने किया खारिज, भाजपा और बेनीवाल की हुई आलोचना। सोशल मीडिया पर दूसरा दांव खेला गया है, एक सर्वे फोरम में नया सवाल उछाला गया है। इसमें पूछा गया है हनुमान बेनीवाल और आप पार्टी का समझौता हुआ तो क्या राजस्थान में सियासत इतिहास लिख देगी। हालांकि इस सवाल को सोशल मीडिया पर ही लोगों ने खारिज कर दिया है। इसमें भाजपा और बेनीवाल की ज्यादातर लोगों ने आलोचना की है। बहरहाल अभी राजस्थान की सियासत में सोच समझ कर चालें चली जा रही है। प्रदेश की सियासत उस दौर से गुजर रही है जहां अगर कोई यह सोचे कि जीत का रास्ता उसने बना लिया है तो यह संभव नहीं है क्योंकि कई बड़े लोग मैदान के बाहर से छह दे रहे हैं। मात कब किसको मिलेगी यह भी लोगों की चालों पर निर्भर है। पार्टी स्तर पर भी आलाकमान लगातार खेल खिलाकर नेताओं के दिमाग का टेस्ट कर रहा है। कुछ लोगों ने सियासत को भी मोबाइल गेम मान लिया है जिसमें अपनी कॉम्पिटिटर खुद चुनना होता है और जीत भी तय होती है। लोकतंत्र में खेल का रिजल्ट तो जनता ही तय करेगी। खास खबर .com के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।